योगी सरकार के एक साल पूरे होने पर मिशन शक्ति के तहत महिला सशक्तिकरण को लेकर शक्तिपीठ पाटेश्वरी मां देवी पाटन से निकली हुई महिला पुलिसकर्मियों की रैली आज अयोध्या पुलिस लाइन पहुंची, जहां पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और महिला पुलिसकर्मियों का सम्मान करते हुए महिला सशक्तिकरण को लेकर मौजूद महिलाओं को जागरूक किया गया। महिला पुलिसकर्मियों की रैली को स्थानीय विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, रामचंद्र यादव, कमिश्नर गौरव दयाल, आईजी प्रवीण कुमार, डीएम नीतीश कुमार, एसएसपी मुनिराज ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली कानपुर, उरई, जालौन, झांसी होते हुए ललितपुर में संपन्न होगी। महिला पुलिसकर्मियों की रैली जगह जगह रुककर महिलाओं को उनके अधिकारों को लेकर जागरूक करेगी। इसके साथ ही सरकार के एक साल पूरे होने पर सरकार की योजनाओं से भी रूबरू कराएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बलरामपुर दौरे के दौरान देवीपाटन मंदिर से महिला पुलिसकर्मियों की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। देखिए, मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत ये लगातार जो प्रदेश सरकार में महिला सशक्तिकरण के लिए जो कार्य हो रहा है, उसी के परिप्रेक्ष्य में इसको और अधिक सकारात्मक आयाम देने के लिए जितने भी हमारे सरकारी और अन्य विभाग हैं उनके साथ में एक समन्वय, और साथ साथ में जो हमारी महिला पुलिस अधिकारी, जो हमारी बीट पेट्रोलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से महिला बीट्स बनाई गई हैं, ये सारी जगहों पर एक प्रकार की अलग जगाते हुए चलेंगे, जहां पर विभिन्न जगहों पर रुक रुक करके लोगों को सरकार की इन योजनाओं के बारे में बता करके और सभी को इस तरह से ऊर्जस्वित करेंगे कि ये किस प्रकार से मिल करके एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में देश के विकास में अपना भूमिका अदा करें। और हम लोग सब लोग इस बात के लिए इस रैली के माध्यम से संकल्पित होते हैं और अपने को आश्वस्त भी करते हैं कि जो ये माननीय मुख्यमंत्री जी का मिशन है, मिशन शक्ति, उसके तहत उसके सभी आयामों को हम सर्वोच्च रूप में लेकर के जाएंगे, जिससे अपनी आधी आबादी का सर्वोत्तम उन्नयन हो सके और वो मुख्य धारा में और अधिक बेहतर अपना कार्य निष्पादन कर सके। ये देवी पाटन धाम से स्टार्ट होकर के यहाँ पर हम लोगों का ललितपुर तक ये जा रहा है और इसमें हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट अपना एक योगदान एक रिले के माध्यम से देगा। हर डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे यहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी सहभागिता अदा करेंगे और उद्देश्य ये है कि कैसे हम सब लोग एक ना सिर्फ एक शासकीय स्तर पर बल्कि सामाजिक स्तर पर और सभी संभव स्तर पर हम अपनी इस आधी आबादी के उन्नयन के लिए कार्य करें।